सुनो। पूरे प्रदेश वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश में मेरे सहयोगी मंत्री नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारीगण, सभी प्रदेश के महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण और भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत एक वर्ष से यह लड़ाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। भारत की इस लड़ाई को विजयी बनाने में यूपी की बड़ी भूमिका हो सकती है और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका को अब तक कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना की जो दूसरी लहर आई है या पहले से ज्यादा तीव्र और ज्यादा खतरनाक स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। आपके सामने विगत एक वर्ष के देश और दुनिया के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया गया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने क्या उपलब्धियां हासिल की थी, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, इन सब को लेकर के अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया। लेकिन ये लड़ाई केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम नागरिक की है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। और हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नेतृत्व, यशस्वी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसमें हरेक स्तर के जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी सक्रिय योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सेकंड स्ट्रेन में हमें सबसे पहले बचाव पर ध्यान देना होगा। स्वयं का बचाव करते हुए अगर हम अन्यों के बचाव के लिए उपाय कर सकेंगे तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। ऋषि से मेरा आप सबसे अपील होगा कि सबसे पहले हम कोरोना का जो प्रोटोकॉल है इसका पालन करें, अनिवार्य रूप से पालन करें, क्योंकि कल से और परसों से कुछ पर्व और त्यौहार आ रहे हैं। कल से वासंतिक नवरात्रि आ रही है, वासंतिक नवरात्रि में देवी मंदिरों में भीड़ होती है, जागरण के कार्यक्रम होते हैं, रामनवमी का आयोजन होता है और भी कार्यक्रम होते हैं, परसों से रमजान का कार्यक्रम भी है। ये सभी जो आयोजन होंगे, हर हाल में भीड़ से बचना, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना, धर्मस्थलों पर जो निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा एक समय में न जाए, भीड़ भाड़ न हो, और जो भी शासन ने पहले से व्यवस्था दी है उसका पालन अगर हम कर पाएंगे और उसमें योगदान दे पाएंगे तो एक अच्छी स्थिति होगी। नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण ज्यादा है और इसलिए आप सभी नगर निकायों से जुड़े हुए महापौर, चेयरमैन, पार्षदों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कंटेनमेंट जोन, आप सब जानते हैं इस समय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और प्रशासन और हमारी पुलिस ज्यादातर पंचायत चुनाव में व्यस्त है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि नगरीय क्षेत्रों में जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बने हैं ये वे क्षेत्र हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा है।
कंटेनमेंट जोन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस या फिर स्वयंसेवी संगठनों की जो भूमिका है, पार्षद आदि भी इसमें योगदान दे सकते हैं। स्वयं का बचाव करते हुए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए प्रत्येक निगरानी समिति के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर देकर के लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना, बाहर से आने वाले सभी जो भी लोग हैं या जो संक्रमित हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फिर उनका 100% टेस्टिंग की दिशा में उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में योगदान देना, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल के सैनिटाइजेशन के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर, मेलाथियन डस्ट, चूना आदि के छिड़काव की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि ये केवल हमारे लिए कोरोना के संक्रमण को ही रोकने के लिए नहीं योगदान देगा बल्कि बरसात में डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया और अन्य विषाणु जनित तमाम उन रोगों से भी बचाव में इसकी बड़ी भूमिका होती है। हम अभी से इस कार्ययोजना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। शुद्ध पेयजल और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, इसके साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ग्लव्स के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करना, हर एक जनपद में प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए थे, सभी जनपदों में सक्रिय है। नगर निगम जितने सभी नगर निगमों के दायरे में है और ज्यादातर हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो ITMS बने थे उन्हीं को हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वह अच्छे ढंग से काम कर सकें। इस जिससे एक बड़ी भूमिका आप सबकी इसके साथ हो सकती है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स में जानकारी रखना, प्रशासन के साथ सहयोगी बनना, वहां पे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही वहां पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी की जा सके। प्रदेश सरकार हरेक स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए तत्पर है। आप सबकी सहभागिता इस लड़ाई को कई गुना आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। आप सब जानते हैं कल से यानी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का एक विशेष आयोजन पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर चल रहा है। कल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक ये 4 दिवसीय टीका उत्सव के कार्यक्रम में कल प्रदेश में 3 लाख से अधिक टीका एक ही दिन में लगे हैं और मैं अपील करूंगा कि कल 6000 सेंटर में टीकाकरण हुआ है। आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं कल और परसों 8000 केंद्रों में टीकाकरण का एक कार्यक्रम चले। पब्लिक अवेयरनेस, जिसको पहला टीका लगा लिया है वे निर्धारित समय में दूसरा डोज भी ले लें। जिन्होंने अभी तक 45 वर्ष की उम्र के जितने भी लोग हैं जिन्हें अब तक टीका नहीं लगा है वे टीका लगा लें और इसमें आप योगदान दे सकें। जितने भी सेंटर हैं वहां पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना और फिर उतने ही लोगों को बुलाना जितना लोगों को टीका लगना है, जिससे वेस्टेज बच सके, वेस्टेज को बचाने में भी योगदान देना। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका अगर हम पालन करते हैं तो ये मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रसन्नता है कि मैंने आज यहां पे 6 नगर निकायों के साथ संवाद बनाया और महामहिम राज्यपाल जी के उपस्थिति में यह संवाद महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अभिभावक हैं, प्रदेश की प्रथम नागरिक हैं। सरकार से आज मेरे साथ संवाद के लिए आज किया, कल सर्वदलीय बैठक को भी महामहिम राज्यपाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि वह अपना समय, बहुमूल्य समय सभी कार्य के लिए उपलब्ध कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी नगर निकाय जिला प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जो बातें यहां पर अभी विभिन्न नगर निकायों ने बताई हैं, सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें और सभी जनप्रतिनिधिगण उसका अनुपालन करते हुए
कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा और इसको हम मजबूती से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे तो ये मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं एक बार फिर से महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम आगे आने वाले कल से हमारे जो पर्व आ रहे हैं आप सबको मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नौ संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, वासंतिक नवरात्रि का कल प्रथम दिन है, इसकी भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। रमजान परसों प्रारंभ हो रहा है, कामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आदरणीय महामहिम श्री राज्यपाल जी से तो सीएम योगी वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे वो निकम निकाय अध्यक्षों के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता